Hi, this is Aftab Shirdasani. Keep watching Expose India. उत्तर प्रदेश के बरेली में मुखबिर की सूचना पर अवैध तमंचा फैक्ट्री में छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि बारादरी थाना क्षेत्र के डोहरा गांव में पुलिस ने सूचना मिलने पर छापेमारी शुरू की, जिसमें बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए और कई मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाशों के नाम राशिद और लालता प्रसाद हैं। नहीं, आज शाम को पुलिस को ये सूचना मिली कि दोहरा गांव में दो व्यक्ति हैं, उनके पास काफ़ी मात्रा में तमंचे हैं। तो पुलिस जब मौके पर दबिश देने गई तो उनके वहाँ से जो बदमाश हैं उसने एक फायर किया, क्योंकि उसके पास तमंचे थे, 15 तमंचे और एक पिस्टल उनके पास से बरामद हुई है, और एक बदमाश को एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान पैर में गोली लगी है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।